हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में अपने इस जंप सूट का स्लीव्स और जो लेग्स थी वो पहले से ही बना के रखी थी, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो अब देखिएगा, जो हमारा पैंट पोर्शन है उसका हमने क्रॉच बनाना है। क्रॉच बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए कैसे फंदे बढ़ाने हैं। ये हमारा पिंक जो है धागा, एक बार हम इस तरह से लपेट कर बुनेंगे तो ये एक फंदा हमारा यहाँ पे बन जाएगा स्टार्टिंग में, और एक फंदा हमने इसी पहले फंदे को दो बार बुनकर बढ़ा लेना है। तो हमने दो फंदे यहाँ पे एक साथ बढ़ा लिए, बाकी की रो हम जैसे बुन रहे थे सीधी वैसे ही बुन लेंगे पूरी। तो ये रो लास्ट के फंदे तक सीधी बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो फंदे बढ़ाने के बाद इस रो को लास्ट के दो फंदों तक बुन लिया। अब यहाँ पे हम एक फंदा जो है और बढ़ा लेंगे, और दूसरा फंदा हमने जो है वो रिटर्न जब हम करेंगे इस तरह से टर्न कर तब बढ़ाएंगे। देखिए फिर से हमने इसी तरह से घुमाकर और इस फंदे को उल्टा बुन लेना है। बाकी अब हम पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने दो फंदे एक उस तरफ से और एक इस तरफ से बढ़ा लिया है। तो दो फंदे हमने इधर और दो फंदे हमने इधर, तो टोटल हमने चार फंदे इसी सिलाई में बढ़ा लिए हैं। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये उल्टी रो पूरी बुन ली है। अब फिर से हमने वही करना है, वाइट जो धागा है इसे साथ में कैरी करेंगे और एक फंदा यहाँ पे इस तरह से बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले किया था। एक फंदा हम इस फंदे को दो बार बुनकर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से चार फंदे हैं उसी तरह से दोनों सिलाइयों में बढ़ा लेने हैं। तो हम ये दो रोज इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लेग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी हमारे पास, क्योंकि हमने आठ आठ फंदे जो थे, आठ फंदे वो इस पिंक वाले में बढ़ा लिए थे चार चार दोनों तरफ से, तो अब हमारे पास जो है 73 स्टिचेस, 73 फंदे हैं इस लेग में, ये देखिए। और इसी तरह से हमने अब दूसरी लेग भी बना ली है, और दोनों का हमने जो हाफ यानी कि 36 फंदे हमने इस तरफ रखे हैं और 37 फंदे हमने इस तरफ रखे हैं, और इस वाले में हमने इस तरफ 37 और इस तरफ 36, ये देखिए 36 इस तरफ 37, 36, 37, 37, 36, इस तरह से हमने इन्हें रख लिया है दोनों लेग्स को, बिल्कुल एक तरह से एक जैसे हमने इनको बना लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, व्हाइट कलर से हमने पहले जैसे हमारा पैटर्न था वैसे ही बुनेंगे। यहाँ कोई फंदा हम बढ़ाएंगे नहीं, ये देखिए 1 2 3 4। अभी हमारा ये जो है ये फंदा, इसको हम नीचे से उठाना है तो ये वाला फंदा उठाएंगे, ये देखिए इसको उठाना है तो उससे हमने पिछला जो चौथा फंदा है देखिए इसे उठाएंगे नीचे से, क्योंकि हमने अपना पैटर्न भी साथ में फॉलो करना है। ये देखिए इस तरह, फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे 1 2 3, फिर से अगले फंदे को नीचे से वैसे ही उठाएंगे इसे गिराकर और नीचे से पिक कर लेंगे ऐसे। तो ये हम रो जो है इन फंदों को बुनते हुए यहां तक पहले बना लेंगे ये वाली जो सिलाई है। तो देखिए इस लेग के हमने ये 36 और इस तरफ के ये 37 फंदे जो थे वो पैटर्न को फॉलो करते हुए बना लिए हैं। अब हमने इसी नीडल पर इस तरफ के जो है 37 37 फंदों तक जो है वो बना लेना है। तो देखिए हमने इस तरफ के 37 स्टिचेस तक बना लिया है। ये हमारे 36 फंदे इस तरफ के ऐसे ही रह जाएंगे, यहीं से हम टर्न कर लेंगे। अब ये हमारे जो हमारा सूट है उसका बैक बनेगी। देखिए उसके लिए हमने अब जो 37 फंदे इस तरफ के और 37 फंदे इस तरफ के यानी कि 74 फंदे 74 स्टिचेस को जो है वो पहले उल्टा बुन लेना है। 37 ये और 37 ये, यानी यहाँ मार्कर तक हम पहले ये उल्टी बुन लेंगे रो। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी रो हमने बुन ली है, अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे। तो अब हमने जो है ये वाले फंदे छोड़ देने हैं, ये वाले फंदे भी छोड़ देने हैं, और बीच के जो 74 है 74 फंदे हैं इनको हमने
बनाते हुए जाना है, तो कुछ रोज हम इसकी पहले बना लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ये 72 टोटल रोज जो हैं, 72 सिलाइयां जो हैं लेग्स के बाद इतनी बना ली है। ये हमारी बैक बन रही है। अब हम यहाँ पे आर्म होल कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने ये देखिए जो क्रीम की एक रो हमने पहले बना ली है फंदे उठाने वाली, अब जो क्रीम की थर्ड रो है सीधी साइड से उल्टी साइड से उल्टी रो बुनने के बाद, तो इसमें हमने 3 फंदे डिक्रीज करने हैं, कास्ट ऑफ करने हैं। 1, 2, साथ में हमने ये कलर भी कैरी करना है, ये देखिए 3। तो ऐसे हमने ये 3 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए, बाकी हमने पूरी रो जो है जैसे हम पैटर्न की बुन रहे थे वैसे ही बुननी है। तो ये हम इस तरफ से 3 फंदे, फिर इस तरफ से 3, फिर इस तरफ से 2, 2, 1, 1, तो 3, 2, 1 करके हमने दोनों तरफ के जो है फंदे कास्ट ऑफ कर लेने हैं। तो ये हमने 3, 2, 1, 3, 2, 1 करके दोनों तरफ से फंदे कास्ट ऑफ कर लिए हैं, घटा लिए हैं। हमारे पास 74 स्टिचेस थे, 74 फंदे थे, अभी हमारे पास 62 यानी कि 62 स्टिचेस हैं। इन 62 फंदों से हमने 44 रोज 44 सिलाइयां जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए बना लेनी है। तो ये देखिएगा आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमने ये 44 रोज 44 सिलाइयां जो है वो पैटर्न की बना ली है। देखिए इनको आप काउंट कर सकते हैं, ये 7 होंगे टोटल। अब देखिए ये हमारी बैक कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रंट को ध्यान से देखिएगा, फ्रंट में हमने क्या करना है, पहले तो इसे हम वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए अब ये हमने हाफ स्टिचेस जो छोड़े थे इस तरफ से और इस तरफ से भी हमने ये हाफ स्टिचेस छोड़े थे, तो पहले हम ये वाली साइड से निटिंग करना शुरू करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ हमारा क्रीम कलर चलना है, तो हमने क्रीम कलर से ये पैटर्न जो है यहाँ से बनाना शुरू करना है। देखिए अब हमने ये फंदा उठाना है, ये वाला, तो हम 1, 2, 2 स्टिचेस पहले बुन लेंगे, इसको हम ड्रॉप करके फिर से पैटर्न जैसे हमने बनाया था वैसे इसे उठा लेंगे, फिर 3 फंदे हम बुन लेंगे सीधे फिर से। ये देखिए ये हमारा सेंटर में आ रहा है, इसे हम गिरा के, तो हम ये लास्ट के 4 फंदों तक पहले बना लेंगे। इस सिलाई के जो लास्ट के 4 फंदे हैं वहां तक हम ये पैटर्न फॉलो करते हुए पहले बना लेंगे। तो देखिए इस रो को हमने 4 फंदों तक बुन लिया है, इन 4 फंदों को हमने सीधा बुनना है और टर्न करके हम इन 4 फंदों को कास्ट ऑफ कर लेंगे। देखिए रॉन्ग साइड है, ये 4 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए रखने हैं जिन्हें हमने बाद में उठाना है, तो हम ये 4 फंदे यहाँ पे पहले कास्ट ऑफ कर लेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर छूट गया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको ये एक एक स्टेप ध्यान से देखना होगा। ये देखिए 4 फंदे हमने ये कास्ट ऑफ कर लिए हैं, इस तरह से ये हमारा वर्क है। अब हमने ये जो बाकी फंदे बचे हैं इन्हें पैटर्न के अकॉर्डिंग बुनते जाना है। जहां तक हमने आर्म होल की कटिंग की थी बैक में, वहां तक हम अब इन बाकी के फंदों को बुनते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी लेग्स थी पहले बनाई हमने, उसके बाद हमने ये बैक कंप्लीट की थी आर्म होल के बाद इतना बनाकर, फिर हमने इस साइड से ये देखिए ये वाली साइड जो है इसके 4 फंदे कास्ट ऑफ करके ये साइड अभी हम बना रहे थे, तो हमने इसे बिल्कुल इतना कंप्लीट कर लिया है जितना हमने ये बनाया था। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे फिर से आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्रीम कलर से जो है 3, 2, 1 करके जैसे आर्म होल की कटिंग हमने की थी बैक में, वैसे ही इस तरफ से भी कर लेंगे 1, 2, 3। और हमने ये जो पैटर्न है इसको फॉलो करते हुए जो फंदे उठाने वाला है वो भी साथ में करना है। देखिए इस तरह से ये हम फंदा नीचे से उठाएंगे इस तरह से और इसे यहां से बुनते हुए, और पहले हमने ये फंदा जो है ऊपर से पास कर देना है, तो 3, 2, 1 करके हम ये फंदे कास्ट ऑफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से 3 ये हो गए हैं, फिर ये पूरी लाइन हम बुन लेंगे, उसके बाद हम फिर 2, 1 इस तरह से फंदे कास्ट ऑफ कर। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये 3, 2, 1 करके आर्म होल्स की कटिंग कर ली थी, उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स की ये सिलाइयां और बना ली है।
उसके बाद हमने इस कलर की एक सीधी रो और बना ली है जिसमें हमने फंदे उठाने थे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इस तरफ हमने आर्म होल बनाया है तो इस तरफ से हमने अब नेक की कटिंग करनी है। तो इसके नेक राउंड नेक की हम कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम पहले 4 1 2 3 4 4 स्टिचेस हम पहले कास्ट ऑफ करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो 3 फिर 2 फिर 1, तो 4 3 2 1 करके हम ये नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। ये हमने 4 3 2 1 की कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, देखिए एक ब्लॉक ये हम क्रीम वाला पूरा कर लेंगे, एक हम ये पिंक वाला पूरा कर लेंगे, उसके बाद हमने आधा ब्लॉक जो है क्रीम का और बना लेना है। तो इतना अभी हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारी जो टोटल रोज है वो यहां से बैक के बराबर आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये नेक लाइन की भी अब कटिंग कर ली है और ये हमारा जो शोल्डर है देखिए ये इसके बैक के बराबर इधर आ चुका है इतना। अब देखिए हमने दूसरी साइड जो बनानी है, देखिए यहाँ पे हमने ये 4 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, उसके बाद हमने ये सारा बुना था, इधर से आर्म होल की कटिंग की, यहाँ से नेक की कटिंग की। अब ये वाली साइड में हमने इस तरफ से ये 4 फंदे कटाने हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ से पहले एक उल्टी सिलाई शुरू करनी है और नया हम यहाँ पे धागा लगाएंगे। तो देखिए हमने ये नया धागा यहाँ पे स्टार्ट किया है, इससे हमने ये सारी की सारी सिलाई जो है ये पहले उल्टी बुन लेनी है, साथ में हम ये धागा भी कैरी करेंगे। तो पहले ये सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। तो ये हमने उल्टी रो कंप्लीट कर ली। अब हमने यहाँ पे 4 फंदे ये वाले डिक्रीज करने हैं जो हमने इस तरफ से भी किए थे ये वाले, उसके बाद हम बिल्कुल जैसे ये बुना था वैसे बुनेंगे, फिर आर्म होल की कटिंग करेंगे वो हमने इस बार इस तरफ से करनी है, फिर नेकलाइन की कटिंग जो है वो हमने इस तरफ से करनी है। तो ये दूसरी साइड हम बिल्कुल ऐसे ही बनाकर पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बैक है और ये हमारा जो है साइड्स हैं। अब इन्हें हमने शोल्डर्स के, ये 16 स्टिचेस हमारे पास, तो ये शोल्डर टू शोल्डर बैक के साथ, ये वाला शोल्डर और ये वाला इधर से बैक के साथ जोड़ लेंगे। बीच के फंदे हम निडल पर रख लेंगे, तो इतना पहले कंप्लीट कर लेंगे अब। तो ये हमने शोल्डर्स जोड़ लिए हैं और ये हमारी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को देखिए। अब इस तरफ से हमने ये फंदे, ये हमारा बटन, यहां से हमारा वो है नेक है, ये हम यहां से लेके यहां तक बटन पट्टी बनाएंगे। देखिए ये 4 फंदे जो हमने कास्ट ऑफ किए थे, यहां तक जो ये फंदा है यहां तक हमने ये सारे फंदे अब नीडल पर उठा लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये फंदे उठा लिए हैं, 62 के करीब ये फंदे हैं और हमें यहाँ पे 70 स्टिचेस चाहिए, 70 फंदे चाहिए। तो देखिए बीच बीच में जहां हमें ये गैप दिख रहा है वहां वहां हमने एक एक फंदा बढ़ाकर इन्हें 70 के करीब फंदे कर लेने हैं, 70 के करीब। और फिर हमने जैसे ये बॉर्डर बुना था 2x2 का, ये देखिए 2 सीधे 2 उल्टे का, तो ऐसे बॉर्डर की हमने 10 सिलाइयां जो है वो बना लेनी है। तो अभी हम पहले इतना कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रेंड्स 70 फंदे बना लिए हैं। और एक और हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हमने 4 फंदे घटाए थे इनको भी हमने इस तरह से साथ साथ में बुन लेना है। देखिए इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और जो ये वाला फंदा है पीछे वाला इसे ऊपर से पास कर देंगे, तो ये साथ में ये फंदे भी ऐसे ही स्टिच, हर बार जो है हर सिलाई में इन फंदों को भी उठा लेंगे और टोटल ये 10 रोज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये बॉर्डर बना लिया है, दूसरी तरफ का भी हम इसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे, लेकिन इसमें हमने बटन होल्स नहीं रखने, भूलने हैं, ये देखिए बटन होल्स रख लिए हैं। और एक और बात, जब हम ये फंदे कास्ट ऑफ करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि हमने गले की तरफ को जो है फंदे कास्ट ऑफ करने, ताकि यहां से हमें नया धागा ना लगाना पड़े और हम यहां से सीधे गले के फंदे भी बॉर्डर बना ले गले के फंदों का। तो उसके लिए हमने यहां से, ये देखिए ये हमारी लेग्स है नीचे वाली साइड को, ये देखिएगा, तो यहां से हमने ये फंदे बंद कर देने हैं। ये हमने फंदे कास्ट ऑफ कर लिए। तो अब हमने ये देखिए ये नेक के सारे फंदे बैक के और इस तरफ से नेक के फंदे ये सारे उठा लेने हैं। ये हमने गले के फंदे उठा लिए हैं। अब हम इनका भी बॉर्डर वैसे ही बना लेंगे। तो ये बनाने के बाद हमें सिर्फ स्टिचिंग रह जाएगी फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट कर देंगे अभी हम। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये नेक भी बना लिया है और बटन होल्स भी रख लिए हैं। अब हमने यहां से ये देखिए ये जो हमारी लेगिंग है इसे यहां से यहां तक स्टिच कर लेंगे, सिल लेंगे। इसके अलावा ये दोनों साइड सिल लेंगे और आर्म होल्स के साथ हम बाजू अटैच करके स्लीव्स वो भी स्टिच कर लेंगे, तो हमारा
बटन्स लगाने के बाद ये रोम्पर जो है, जम्पर है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे अब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा ये जंप सूट अब बनकर पूरा तैयार हो गया है और इसको आप 6 मंथ्स के बेबी तक बड़े आराम से पहना सकते हैं। ये देखिए, और बाकी एज वाइज आपको जो है थोड़े से फंदे बढ़ाने होंगे और थोड़ी सी जो ये रोज हैं, सिलाइयां हैं, ये बढ़ानी होंगी। तो आप किसी भी एज के लिए बड़े आराम से ये बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।